दोबारा बताना होगा मुझे क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी। देखिए विज्ञापन बना रहे हैं हम, हमने ऊनी वस्त्रों की सेल का विज्ञापन बनाना है, जैसा कल किया था हमने, मैंने उधर लिखे थे कि सबसे पहले तो हमें एक टाइटल देना है विज्ञापन, फिर किस चीज का आप विज्ञापन बना रहे हैं थोड़ा सा हाईलाइट उसको भी करेंगे, बड़े अक्षरों में लिख देंगे। आज मैंने राउंड लिखा ऊनी वस्त्रों की सेल, फिर मैंने नीचे दे दिया सेल सेल सेल, मैंने डायग्राम बनाया और लिख दिया पहले आए लाभ उठाएं। आज एक के साथ एक फ्री नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी सेल है, तो पहले आए लाभ उठाएं लिख दिया। अगर आप आपने तो अलग अलग ही बनाना है, आप उसको पंच बना ही सकते हैं एक कि एक के साथ एक फ्री, या आजकल जैसे चल रही है सेल, एक ले जाएं तो 30%, दो ले जाएं तो 40%, तीन ले जाएं तो 50% तक का लाभ उठाएं। ओके, फिर मैंने क्वालिटी सर्दी को भगाए हमारे ऊनी वस्त्र पाए, रोए कभी ना आए माँ के हाथों से प्यार पाए, यानी हमने अपने वस्त्रों की क्वालिटी लिखनी है और कुछ भी हम लिख सकते तरह हमारा विज्ञापन होता है। विज्ञापन पे हमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं बर्बाद करना बिकॉज इट इज ऑफ 2.5 marks ओनली, लेकिन बनाना भी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, इसके बाद मैं अब दूसरा विज्ञापन एक शुरू कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। बच्चे बनाए बिना प्रैक्टिस किए बिना मुश्किल है कर पाना विज्ञापन। अब मैं तीसरा विज्ञापन कर रही हूं, कल आपने विज्ञापन किया था बच्चे किस चीज का, आपका अपना कोई शैम्पू है, आपका अपना कोई तेल है, अपना कोई प्रोडक्ट है, उसका विज्ञापन किया था। आज मैंने अभी विज्ञापन करवाया आप किसी चीज की सेल लगाना चाहते हैं उसका विज्ञापन। अब मैं तीसरा विज्ञापन जनहित में जारी का करवा रही हूं, जैसे जल ही जीवन है, ठीक है, पेट्रोल बचाएं, इस तरह के लड़की बचाएं बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं, इस तरह के विज्ञापन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं बेटे कि जैसे मैं पहले देती हूं जल है तो जीवन है, जो हम जल है तो जीवन है। ओके, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब मुझे जल की एक बूंद बनानी है, जल को किसी तरह से दिखाना है, जल को मैं कैसे दिखा सकती हूं, देखिए जल को दिखाने का एक ही तरीका है, आप सुंदर सी बूंद बना दें। अब मैंने बूंद बना दी, अब मैं इसको थोड़ा डेकोरेट भी कर देती हूं। आपको ये बनानी आती है, आंखें भी बना सकते हैं आप और स्माइलिंग फेस भी बना सकते हैं आप। ओके, तो मैंने इसके हाथ भी बना दिए, लो यानी आई एम द ग्रेटेस्ट वन, नाच रही है बूंद आपकी, बस इससे ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इस तरह। और इसके पैर भी हम बना देते हैं, मुझे नाचती दिखानी है तो ढंग से दिखानी है नाचती हुई, चलिए बस इतना सा डायग्राम बना दिया, दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद अब मुझे इसका इसका और भी देना होगा, मैं नीचे लिख रही हूं जल का ना करो दुरुपयोग, जल का ना करो, एक बात याद रखना न होता है वर्ड, ना वर्ड नहीं यूज करते हैं हिंदी में, जल का ना करो दुरुपयोग। अब मैंने ये लिखा, मैं इसको किसी कॉलम में बांध देती, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, हाइलाइटेड दिखने के लिए मैंने इसे कॉलम में बांध दिया। ओके, अब आगे दो साइडें मेरी खाली हो गई, दो साइडें मेरी अभी भी खाली पड़ी हैं, उसमें कुछ लिखना है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रही हूं, सपोज मैं इसके साथ ऐसे बना देती एक ये, ठीक है एक ये, पर नहीं ये मुझे लगता है पेंसिल से बनाऊंगी ना तो ऐसे ध्यान रहेगा कि इससे उसकी प्रोमिनेंसी कम हो गई, अगर मैं गोले बना देती हूँ तो वो मेरा प्रोमिनेंट नहीं रहा, तो मैं वैसे ही कुछ लिख देती हूँ इधर थोड़ा सा बड़ा करके ताकि मेरा वो अच्छा लगे। ओके, मैं दो साइडों पे दो चीजें लिख दूं, होना यह अमृत बेकार,
हो ना यह अमृत बेकार, यह करना है हमें ख्याल। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूं, मतलब कुछ भी ऐसे करके मैं इसको बांध सकती हूँ कूनों में, ताकि थोड़ा सा लगे कि मैंने बांध भी दिया। ना भी बांधोगे तब भी चलेगा, तब भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। अब इधर का हिस्सा पूरा हो गया, मैंने दिया नारा, जो हमने नारे लिखे थे ना पिछले साल, हम मैंने कोशिश की उस तरह बांधने की। और दूसरी साइड पे भी मुझे कोई ना कुछ लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखें? जल की एक एक बूंद है अमृत समान, इसको बचाना है हमारा काम। अमृत तो हो गया ना, अब अमृत दोबारा नहीं लिख सकती मैं। जल की बूंदें मिलकर बनेगा सागर। यानी मैंने बता दिया भाई, जल की इतनी सारी बूंदें बचा लोगे एक एक करके तो समुद्र बन जाएगा। अर्थात सेव सिंगल ड्रॉप ऑल्सो। ओके, अब नीचे जनहित में जारी, जनहित में जारी। ठीक है, जनहित में जारी, या हम लिख सकते हैं भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ठीक है, या अकेला जनहित में जारी लिख दो, या लिखा जा सकता है भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओके, फिर इसको कर देंगे नीचे से बंद, दैट्स ऑल। अब इसमें बेटी बचाओ आ जाए, बेटी पढ़ाओ आ जाए, ठीक है, खेती बचाओ आ जाए, किसान बचाओ आ जाए, पेट्रोल बचाओ आ जाए। ओके, इस तरह हमारे विज्ञापन होते जाएंगे। ठीक है, तीन कितने हो गए, तीन विज्ञापन हो गए हमारी तरफ से। दो दिन में इतना कर लिया, और आपको देख आपके सामने है बेटे, ढाई नंबर है, तो मुझे लगता है ढाई तीन आपके साथ डिस्कस करते हुए ढाई तीन पांच मिनट में विज्ञापन बन गया। मैंने पांच मिनट में बना लिया, आप दस मिनट लगा लो, आप पंद्रह मिनट लगा लो, आपके पंद्रह मिनट लग जाएंगे। इससे ज्यादा समय एक विज्ञापन में आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो कीमती है। ओके, दो चार पिक्चर्स ना, कुछ टिपिकल पिक्चर्स की कोशिश कर लेना। जैसे एक बूंद की हो गई, बूंद पेट्रोल की हो तब भी यही बूंद बननी है, जल की हो तब भी यही बूंद बननी है। ठीक है, और एक एक होता है ऐसे हाथ का इंडिकेशन होता है, इस तरह का हाथ ड्राइंग में, उस हाथ की ड्राइंग कर लेना। उल्टे हाथ की ड्राइंग ज्यादा आसान है, देखो उल्टे हाथ की अंगूठा भी छुपा दो, ये ड्राइंग ज्यादा आसान है। ठीक है, तो उल्टे हाथ की ड्राइंग इंडिकेट करती है कुछ ना कुछ, जो भी आप बताना चाहते हैं। सेल की तरफ भी इंडिकेट कर सकते हैं आप, किसी बचाने की ओर भी इंडिकेट कर सकते हैं। थोड़े से मतलब ड्राइंग के पंच से है ना, वो आप कर लोगे तो हर चीज में वो काम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो, एक बार अगर बिस्किट की ऐड कर रहे हो, हम तो विज्ञापन दे रहे हो बिस्किट का, बिस्कुट। तो नाम देंगे पहले, रोहानी क्या, सॉरी दीक्षा क्या नाम दोगे अपने बिस्कुट को, क्या नाम दोगे, कोई नाम फटाफट फटाफट सोचना चाहिए। मैम ये ऐसे डायमंड बिस्किट है, डायमंड बिस्किट कौन सा, डायमंड बिस्किट है। एक मिनट, अम्मा फटाफट बताओ, वन बाय वन बेटे, वन बाय वन, आप बड़े मेच्योर फेलोज हैं, बच्चे नहीं है। हाँ, डायमंड बिस्किट, डायमंड बिस्किट, लो डायमंड होगा कोई ना कोई डायमंड। मैम आयुर्वेदिक बिस्किट, ठीक है आयुर्वेदिक बिस्किट, ठीक है, वैसे वो भी नाम होता है। कार्तिक को बोलने दो, हथौड़ा छाप, कौन सा, हथौड़ा छाप, वो तो कभी भी नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। हाँ बिस्कुट छोड़ो, नमकीन बिस्किट, स्वीट बिस्किट है ना, कुरकुरे बिस्किट, उसकी क्वालिटी से नाम रख दो। ओके, ऐसी इसी के साथ, अब बिस्किट के साथ खिलौना फ्री, खिलौना फ्री है ना, बिस्किट्स के साथ खिलौना फ्री, जैसे किंडर किंडर जॉय आता है ना, खिलौना किंडर जॉय के बीच में
खिलौना निकलता है, मतलब लालच देने के लिए खिलौना फ्री सबसे बेस्ट लालच है, ठीक है, चार पैक के साथ एक मुफ्त, फिर यहाँ मुंह में जाते ही घुल जाए, ठीक है, स्वीट बिस्किट, क्रीम बिस्किट हर स्वाद में उपलब्ध, आज ही ले जाइए, गेहूं के आटे के बने बिना मिलावट वाले नजदीकी स्टोर में उपलब्ध, ठीक है। नीचे संपर्क, संपर्क तो बहुत जरूरी है। अब कोई भी न्यू फ्लेवर्स पता, हाँ, कोई भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो वो संपर्क जरूर बताएगा बेटे, संपर्क जरूर देगा कि आप कहाँ पे जाके उसकी वेबसाइट पे जाके या कहाँ पे जाके उससे आप मिल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ के बाद अब मैं फिर टोपी शुरू कर रही हूँ। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आप कौन सी बुक में सर? हमारी संचयन में है बेटा, संचयन में है हमारा लेसन। लेसन टोपी शुक्ला, लास्ट लेसन है आपका, आखिरी लेसन है टोपी शुक्ला, ऑन पेज नंबर 32 ऑफ योर बुक संचयन, पेज नंबर 32 आपकी संचयन का बेटा। तो इफन के बारे में जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफन टोपी का पहला दोस्त था। इफन नाम देखो, डबल फ, इफन देखिए, इफन दोनों नुक्ते लगे हुए हैं फ के नीचे, ओके, कि इफन टोपी का पहला दोस्त था। इस इफन को टोपी ने सदा इफन कहा, इफन कहा, उसने इफन नहीं कभी कहा, इफन कहा है, इफन, क्योंकि उसकी पूर्वी बोली है, मैंने आपको पहले बताया। इफन ने इसका बुरा माना परंतु वह इफन पुकारने पर बोलता रहा, इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। इन वह नामों के चक्कर भी अजीब होते हैं, उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे कपले हो जाते हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं, मोहम्मद हो तो उसे पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग ये भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे, दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रजकुमार थे। इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी ना केवल अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफन को घर चलाना, इफन के घर चलना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। मतलब यहाँ से अब क्वेश्चन बनाने हो तो कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आत्मा, परंपराएं, हवाएं चलना, हवा चलना क्या होता है, घर में हवाएं चलना मतलब क्या माहौल है घर में, ओके। नंदनी आज आ पाए हैं आप, ठीक है ना, होपफुली आप ठीक होंगे नंदनी। नंदनी बच्चे आपकी सेहत ठीक है ना? Yes, ma'am, I am well. Okay, बेटा, good. God bless you, बच्चे. चलिए, mute yourself. इफन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा लेसन का नाम है टोपी शुक्ला। इसलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। मैंने इसे जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफन की परछाई है और ना इफन टोपी की, ये दोनों दो आजाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ। इन दोनों को ही दो घरेलू तरह की परंपराएं मिली। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यहीं से क्वेश्चन बन जाना मुझे लग रहा है कि इफन टोपी की कहानी का अटूट हिस्सा क्यों है। ओके, ध्यान रखिएगा मेरी पढ़ते हुए कि बीच में आंसर आ ही जाए कि वो इफन जो है वो
टोपी की कहानी का हिस्सा क्यों है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बेवकूफी क्यों करूं? क्या मैं रोज अपने बड़े या छोटे भाई को ये कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई हैं? वेल रेलिवेंट थिंग है ना कि हम किसी भी धर्म को मानते हो, है तो एक परम पिता के संतान, जब एक परम पिता के संतान है, रास्ता हमारा कोई भी हो तो हम भाई भाई हैं। अब भाई को रोज तो नहीं कहा जा सकता, फिर हम हिंदू मुसलमान को क्यों कहें हम भाई भाई हैं, हिंदू सिख को क्यों कहे कि हम भाई भाई हैं, सिख हिंदू को क्यों कहे कि हम भाई भाई हैं, जब है ही भाई भाई हम। तो कहता कोई सगा भाई भाई को नहीं कहता कि हम भाई भाई हैं। यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अगर भाई भाई है तो कहने की जरूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, मैं तो एक कथाकार हूं और ये कथा सुना रहा हूं। मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूं, ये इस कहानी के दो चरित्र हैं, एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा और दूसरे को इफन। फुल नेम, अंडरलाइन दीज नेम्स, फुल नेम्स ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स। एक का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा, ठीक है, और दूसरे का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला। अब टोपी के साथ शुक्ला लगा हुआ है, मीन्स ये टोपी का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और उसका है सैयद जरगाम मुर्तुजा। इफन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। मौलवी कौन होते हैं? मस्जिद में जो जैसे पंडित से, जैसे हिंदुओं में पंडित हैं, सिख फैमिलीज में ग्रंथी हैं, ऐसे ही मुस्लिम्स में मौलवी हैं। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज करबला? ओके, नीचे क्वेश्चन 6 देखिए, नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाला, नंबर 6 ही है ना? हाँ जी, नहीं नंबर 5 है। इस्लाम का एक पवित्र स्थान, जैसे हम लोगों के हैं हरिद्वार ले जाई जाए, या मतलब इस तरह का जो भी है। उन्होंने कहा कि मेरी जो लाश है वो करबला ले जाई जाए, उसके दादा ने कहा। ओके, उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफन का बाप हुआ, यानी हिंदुस्तान में पैदा होने वाला उसका बेटा था, दादे का बेटा उसका फादर। वो उसका बाप तो उसके फादर का फादर, दादा तो पाकिस्तान में ही पैदा हुआ और वहीं पे उसने कहा कि मेरी करबला ले जाई जाए। जब इफन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी, करबला, नजफ, खरासान, काजमैन और जाने कहां कहां की यात्रा कराई थी, परंतु जब कोई घर में घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक गड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। अब देखिए माश का सदका क्या है, नंबर 7, एक टोटका माश का सदका, जैसे किसी के जाते हुए पानी रखना, गिलास में पानी रख देना या दही चीनी खिलाना, दीज आर टोटका, ठीक है। कहा है कि वो नमाजी औरत थी, नमाज पढ़ती थी पर हिंदुओं वाले भी काम करती थी। क्यों करती थी ये आप आगे पढ़ेंगे। इफन की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। पूर्व की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लहू आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ से उर्दू, लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। कितना समझ में आया यहाँ से जो मैंने रीडिंग की ना, एक्सप्लेन दैट रीडिंग। रूहानी थोड़ा सा आप कर पाएंगे बेटे, जितनी मैंने यहाँ पे रीडिंग की उतनी आप थोड़ी सी एक्सप्लेन कर पाएंगे? यस मैम। बोलो क्या बताया गया यहाँ पे, उसकी दादी के बारे में बताया गया ना, क्या बताया दादी के बारे में? कि मैम दादी उनकी बहुत, आई एम ट्राइंग टू
एक्सप्लेन अगेन, लिसन टू मी केयरफुली, उसकी जो दादी है ना बेटे, उसकी दादी है तो मुसलमान, नमाजी स्त्री है, लेकिन जब वो छोटी थी ना, बहुत छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई। यहाँ उसकी बताई है उम्र, जब शादी की कर दी गई तो उसकी उम्र थी कितनी है मैम? आपने 9 साल कही थी पहले। हाँ तो 9 साल है ना, यहाँ पे देखते हैं ना कितने, हाँ 9 या 10 बरस, यानी 9-10 बरस की बेटी की शादी कर दी गई। अब उसकी शादी है मुसलमान खानदान से ही और मुस्लिम से ही शादी हुई, लेकिन 9-10 बरस की लड़की की शादी कर दी गई। वहां से जब वो शिफ्ट हुई ना, पहले वो रहने वाली थी नखलऊ की, अब नखलऊ से पाकिस्तान में शादी हुई, तो वो वहां रही जरूर, लेकिन कभी भी उसका दिमाग नखलऊ से बाहर नहीं आया। कहने का अभिप्राय ये है बेटे, अगर एक्सप्लेन करना हो इसे, कि बचपन की आदतें, बचपन का स्वभाव हम बदल कर भी नहीं बदल सकते, ठीक है? वहां पे जैसा उसका स्वभाव था वैसा ही रहा, बचपन की बोली को भी बदल पाना, तभी कहते हैं जो सुधार करना हो बच्चे में वो बचपन में कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो सुधार नहीं हो पाता, बचपन का सुधार बचपन में ही हो जाना चाहिए। अब उसे पूर्वी बोली आती थी बोलनी, नखलऊ की बोली, ठीक है? तो वो बोली वो जीवन भर नहीं छोड़ पाई, चाहे 9 साल की आ गई थी, बाकी सारी उम्र दादी बन गई, सोचो कितनी उम्र की हो गई, पर अपना बचपन का वो 9 साल का इन्फ्लुएंस वो नहीं छोड़ पाई, वो 9 साल का प्रभाव वो नहीं छोड़ पाई, ठीक है जी? तो नखलऊ में, नखलऊ की उर्दू ससुराली थी, ससुराल की भाषा थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उसका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है? उसने जब अपने बेटे की शादी की, यानी इफन के फादर की, तो गाना बजाना चाहती थी, पर मौलविन होने के कारण उसके घर में गाना बजाना ढोल धमाका नहीं हो सकता था, तो मन मार के रह गई, ठीक है? बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफन की छठी, यानी व्हेन इफन वाज बॉर्न, जब वो पैदा हुआ तो 6वें दिन जो त्योहार किया जाता है थोड़ा बहुत, उसमें उसने खूब ढोल धमाका किया। क्यों किया होगा? तब इफन के दादा नहीं रहे, ओके? इफन की छठी, नंबर 10, जन्म के 6ठे दिन का स्नान पूजा उत्सव, पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें, बगैर इफन की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। वो कहता है इफन, मर्दों और औरत का फर्क, क्या फर्क देखा है आपने यहाँ पे? क्या फर्क है मर्द और औरत में? क्या फर्क महसूस किया? कि औरतें मर्द के नीचे दबी हुई हैं, जो मर्द चाहेगा वही औरत करेगी। औरत अपने मन के प्रभाव को बाहर नहीं ला सकती, और खासकर मायके में जो करती है वो ससुराल में जाकर नहीं कर सकती, ठीक है? रेस्ट कल, बाकी कल, ओके? टिल देन गुड बाय। हाँ, क्योंकि आप लोगों ने कहीं उन्हें जाना होता है।